जब वहां पर चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला में श्रीमन महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश देते हैं वैराग्य धर्म के पालन का, तो उस समय दो प्रकार के उपदेश दिए गए हैं महाप्रभु के द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी को भी और अपने अन्य पार्षदों को भी। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला द्रष्टव्य है, यहां पर आप रेफर कर सकते हैं। तो वहां पर श्रीमन महाप्रभु बताते हैं कि गृहस्थों के लिए नामे रुचि जीवे दया, जो नाम में रुचि है जीव में दया है, ये सब गृहस्थों के लिए धर्म माना गया। और जो वैरागी है जो त्यागी है उनके लिए ग्राम्य कथा ना सुने वे रात्रि दिन रात्रि निशे राधा कृष्ण मानसे स्मरण करीबे, इस प्रकार का जो वहां पर उपदेश दिया गया है कि हरनिश रात्रि दिन राधा कृष्ण का मन मन में स्मरण करना चाहिए, भालना खाए भी और भालना परिबे, ये सभी जो उपदेश दिया गया। अब वहां पर भी जो युक्त वैराग्य है वो दो प्रकार का माना। भक्ति रसामृत सिंधु में अनासक्तस्य विषयान यथार्ह मुपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते, इस श्लोक की टीका करते हुए टीकाकारों ने, जिन गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि जो टीकाकार है, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि युक्त वैराग्य भी दो प्रकार का है, एक गृहस्थों के लिए और एक त्यागियों के लिए। अब त्यागी शब्द की परिभाषा क्या है वैष्णव संप्रदाय में? त्यागी शब्द का वैरागी शब्द का अर्थ है या तो जो सन्यासी है वह, या तो जो परमहंस है वह, रूप सनातन आदि गोस्वामी पादों के वेश को धारण करने वाले जो लोग हैं, और जो वास्तव में ही परमहंस हो गए हैं और परमहंस होने के बाद जो उस प्रकार के वेश को धारण कर रहे हैं, तो ये तो परमहंस त्यागी माने जाएंगे। जिसको सामान्य दृष्टि से सामान्य संदर्भ में बाबा जी वेश भी कहा जाता है, तो ये तो परमहंसों का वेश है रूप सनातन आदि गोस्वामी पादों का अनुसरण करते हुए। लेकिन इसके अलावा भी दो प्रकार के त्यागी देखे गए हैं हमारे संप्रदाय में। एक तो जो चौथे आश्रम ब्रह्मचर्य चौथे आश्रम संन्यास में स्थित है त्रिदंड धारण करके, और एक जो सबसे पहले आश्रम ब्रह्मचर्य में लेकिन उसके नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में जो स्थित है बृहद व्रत में। तो बृहद व्रती जो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है और परमहंस वेश को धारण करने वाले हैं, ये तीन प्रकार के त्यागी या वैरागी इस संप्रदाय में गौड़ीय संप्रदाय में श्रीमन महाप्रभु की धारा में देखे जाते हैं। लेकिन इनमें आधारभूत कौन है? आधारभूत है ऐसा त्यागी वैरागी जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, क्योंकि बिना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बिना बृहद व्रत के संन्यास भी निष्फल हो जाएगा। आप मुझे बताइए संन्यास का कोई अर्थ रहता है बिना नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के? क्योंकि संन्यास धर्म में भी कुछ नियम तो ब्रह्मचर्य वाले ही माने गए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य में स्त्री संग का त्याग है, मैथुन का त्याग है, तो वो नियम तो संन्यास में भी है। तो इसीलिए बिना ब्रह्मचर्य के संन्यास आश्रम भी निष्फल है, और जो परमहंस आश्रम है जो कि वास्तव में आश्रम से बाहर माना गया है, जिसको निरपेक्ष अवस्था कहते हैं, अकिंचन अवस्था कहते हैं, उसमें भी वही नियम लागू पड़ेगा। तो आधारभूत ब्रह्मचर्य की इसीलिए हम बात कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य के बिना, यदि ब्रह्मचर्य को वर्णाश्रम का अंग मानते हैं, तो फिर गौड़ीय जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये तो भक्ति के बहुत बाहर की चीज सिद्ध हो जाती है। और श्री रूप गोस्वामी पाद तो कहते हैं कि ज्ञान कर्म और वैराग्य से तो भक्ति मार्ग में बाधा ही उत्पन्न होती है। यहां पर शास्त्र ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान का मतलब ज्ञान मार्ग जो निर्विशेष ब्रह्मवादियों का है, जो सायुज्य मुक्ति के लिए जिस ब्रह्म और जीव के एकात्म चिंतन वाले जिस ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, दिस मेंटल स्पेक्यूलेशन ऑफ द मोनिस्ट्स इन विच दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी नॉन डिफरेंट फ्रॉम द इम्पर्सनल एब्सोल्यूट, इसको ब्रह्म ज्ञान मार्ग कहा गया। तो इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से, फल्गु वैराग्य आदियों के मार्ग पे जो लोग भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे लोग विशुद्ध भक्ति मार्ग पे आरूढ़ नहीं हो सकते। यही तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम का तात्पर्य है। और दूसरी बात यह है कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहां पर ज्ञान और वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है। वैराग्य का तात्पर्य जो फल्गु वैराग्य है ज्ञानी और योगियों का,
हमारे द्वारा अपनाया गया जो युक्त वैराग्य है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फर्गु कथ्यते। मुमुक्षुओं के द्वारा ऐसे निवृत्ति मार्गी जो कि मोक्ष के आकांक्षी हैं, खास करके ब्रह्म सायुज्य रूपी मोक्ष के, और जो अष्टांग योग मार्ग या ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, ऐसे मुमुक्षुओं के द्वारा जिस वैराग्य को अपनाया जाता है, भक्ति मार्गियों की दृष्टि में वह वैराग्य फल्गु वैराग्य है। तो ऐसे फल्गु वैराग्य से उसके बाद निर्विशेष ब्रह्म के चिंतन स्वरूप जो ज्ञान मार्ग है, उससे कर्म मार्ग से इन सभी से भक्ति आवृत्त हो जाती है, भक्ति विशुद्ध नहीं रह पाती है। इसीलिए इन सभी से बचने को कहा गया है, ज्ञान वैराग्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में भक्ति अनुकूल जो ज्ञान है और भक्ति अनुकूल जो वैराग्य है, वो प्रारंभिक अवस्था में साधन भक्ति में प्रवेश करने की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें किंचित उपयोगी है। आई एम रेफरिंग टू दी आई एम ट्रांसलेटिंग दी ओरिजिनल वर्सेस फाउंड इन भक्ति रसामृत सिंधु राइट नाउ। ज्ञान वैराग्य ईषण उपयोगिता, रूप गोस्वामी कहते हैं कि उनकी ईषत उपयोगिता है। They have some partial relevance, ज्ञान एंड वैराग्य बोध, while entering onto the path of साधन भक्ति। लेकिन एक बार जब प्रवेश कर गए तो भक्ति अनुकूल ज्ञान और भक्ति अनुकूल वैराग्य को भी बाधक मानना पड़ेगा, स्पष्ट रूप गोस्वामी का निर्देश है। ऐसी अवस्था में जब राय रामानंद संवाद में वर्णाश्रम के त्याग की बात महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, तो इन सभी को देखने से तो यही लगता है कि ब्रह्मचर्य जो कि आश्रम है, वर्णाश्रम का भाग है, उसका आचरण करना ये तो भक्ति मार्ग के प्रतिकूल है, क्योंकि दोनों तरफ से यहां पर दलील देखनी पड़ेगी। दोनों तरफ से की गई जो दलीलें हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो तर्क हैं, वो देखने पड़ेंगे। सबसे प्रबल तर्क तो इन लोगों का है कि ये वर्णाश्रम का अंगभूत होने के कारण और वर्णाश्रम भक्ति में बाधक होने के कारण, और जब भक्ति अनुकूल ज्ञान और वैराग्य को भी रूप गोस्वामी ईषत उपयोगी बताते हैं, ओनली ऑफ स्मॉल रेलेवेंस, पार्शियल रेलेवेंस, एंड दैट ऑल्सो ओनली इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ एंटरिंग साधन भक्ति, नॉट लेटर ऑन। आफ्टर ऑल आफ्टर एंटरिंग इन टू साधन भक्ति देन दे आर नॉट रेलेवेंट एट ऑल। जब स्पष्ट इस प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश है, तो वर्णाश्रम जो कि एक प्रकार का कर्म है, वर्णाश्रम क्या माना गया, कर्म मार्ग का अंग है, तो वर्णाश्रम के अंगभूत जो ब्रह्मचर्य है उसको हम कैसे मान सकते हैं कि यह वास्तव में भक्ति पथ पर लाभकारी है। ये यहां पर ये भी एक बहुत बड़ी दलील है जिससे पार पाना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये दलील दी गई है कि हम तो भगवान के प्रीति के लिए निज सुख भोग का परित्याग कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण सुखार्थे निज सुख भोगादि त्याग। ये क्या है बताइए, 11 से 20 तक, फ्रॉम 11th टू 20th भक्ति रसामृत सिंधु में साधन भक्ति के 64 अंग माने गए। उसमें से जो प्रारंभिक 20 अंग हैं, 20 लिम्ब्स ऑफ साधन भक्ति, दे आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल। रूप गोस्वामी स्वयं वहां पर कहते हैं कि प्रारंभिक जो 20 अंग है वो आधारभूत है, बिना उन अंगों को अपनाए आगे के जो 44 अंग है उनमें प्रवेश नहीं हो सकता। ये भी वहां पर स्पष्ट करते हैं रूप गोस्वामी बात कि बिना इन 20 अंगों को अपनाए आगे के जो 44 अंग है वो हम नहीं सफलतापूर्वक उनका आचरण कर सकते। तो प्रारंभिक जो 20 अंग है उसमें से भी जो पहले 10 अंग है वो विधि परक है, और 11 से 20 तक के जो अंग है, पहले जो 10 अंग है वो विधि परक है, और दूसरे जो 10 अंग है 11 से 20 तक, 1 से 10 तक वो विधि परक है, और 11 से 20 तक के जो 10 अंग है वो निषेध परक है, और उसी में कृष्णार्थे निज सुख भोगादि त्याग सद्धर्म पृच्छा के बाद यह आता है। कृष्णार्थे निज सुख भोगादि त्याग, ऐसा रूप गोस्वामी पाद ने लिखा कि भगवान कृष्ण के लिए जो कि हमारे इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे विषय विग्रह हैं, विषयालंबन है। भक्त क्या है, भक्त आश्रयालंबन है,
भक्त आश्रय है और भगवान विषय है भक्ति के। तो भक्ति के विषयालंबन जो भगवान है उनको संतुष्ट करने के लिए भक्त निज सुख भोग का परित्याग करेगा। वहां पर टीकाओं में देख लीजिए, जीव गोस्वामी दुर्गम संगमनी में और विश्वनाथ चक्रवर्ती भक्तिसार प्रदर्शनी में और मुकुंद दास गोस्वामी अर्थ रत्नाल्प दीपिका में तीनों टीकाकारों ने यह स्पष्ट किया है कि यहां पर ब्रह्मचर्य त्याग वैराग्य आदि जो अवस्थाएं भक्ति मार्ग के अनुयायी धारण करते हैं ये भी इसी के अंतर्गत मानी जानी चाहिए। अब दोनों तरफ की दलील है, यदि उसको वर्णाश्रम का अंग मानते हैं तो ये भक्ति के बहुत बाहर की चीज है, भक्ति में अवरोधक है आगे चलकर, यदि ब्रह्मचर्य को वर्णाश्रम का अंग मानता है तो ब्रह्मचर्य, लेकिन है तो ये वर्णाश्रम का अंग, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। ब्रह्मचर्य कोई वर्णाश्रम से बाहर की चीज तो है नहीं, ये कोई परमहंस अवस्था तो है नहीं, निष्किंचन वेश तो है नहीं, ये तो ब्रह्मचर्य का अंतर्गत है, अंतर्भूत है। इट इज इंक्लूडेड विद इन द फोर टाइप्स ऑफ वर्णास, फोर टाइप्स ऑफ आश्रमास, दिस सिलेबस। यदि ब्रह्मचर्य की अंगभूत है, वर्णाश्रम की अंगभूत है ये ब्रह्मचर्य, तो ये भक्ति के बहुत बाहर की चीज मानी जाएगी, भक्ति में अवरोधक माना जाएगा। और लेकिन फिर इसका पालन भी करना आवश्यक है। कृष्ण सुखार्थे निज सुख भोगादि त्याग, वहां पे गृहस्थों के लिए ये उपदेश है कि वे भी उतना ही विषयों से संपर्क रखें कि जितना उनकी कृष्ण सेवा में आवश्यक हो, उनके कृष्ण संसार के निर्वाह के लिए। कृष्णार्थे सुख भोगादि त्याग, ये गृहस्थों के लिए भी ये उपदेश लागू पड़ेगा। गृहस्थ भक्त